दोस्तों सभी के पोर्टफोलियो इस वक्त लाल लाल और सिर्फ लाल ही नज़र आ रहे हैं। लोग अपने अपने पोर्टफोलियो के बारे में बात करते हैं, कहते हैं कि भाई हमारे स्टॉक्स नीचे गिर रहे हैं। वो कोई कहता है कि उसने बताया इसलिए नीचे गिर रहा है, कोई कहता है कि इस कंपनी का स्टॉक नीचे गिर रहा है। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ पोर्टफोलियो में रेड साइन की, तो झुनझुनवाला के शेयर्स भी पिछले एक महीने में काफ़ी डूब चुके हैं। जी हाँ, 32 शेयर्स में होल्डिंग है एट प्रेजेंट झुनझुनवाला की, जिसमें से 31 शेयर काफ़ी भारी गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं और केवल मात्र एक शेयर है जिसमें आपका जो लास्ट मंथ गया है अक्टूबर का, सितंबर का, उसमें तेजी नज़र आई थी। तो झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो को मैं आपको ज़रूर दिखा देता हूँ और आप फिर देखिएगा कि क्या केवल आप ही के स्टॉक प्राइसेस गिर रहे हैं या पूरा मार्केट ही ब्लड बाथ है। तो इस वक्त पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, पूरे मार्केट में ब्लड बाथ है, चाहे वो छोटा निवेशक हो, चाहे वो दिग्गज झुनझुनवाला जो कि जिनको इंडिया का वॉरेन बफेट बोला जाता है उनका पोर्टफोलियो हो, इस वक्त सभी के पोर्टफोलियो सिर्फ लाल निशान में है। तो ये झुनझुनवाला का पोर्टफोलियो है। एपटेक, अगर मैं पिछले ये आपको मंथली देखिए चेंजेस हैं, अगर एपटेक लिमिटेड की बात करते हैं तो पिछले एक महीने में लगभग 10% गिरावट के साथ एपटेक ने 10% की गिरावट दर्ज की। मंधाना रिटेल में लगभग 14% की गिरावट दर्ज की। एनसीसी ने लगभग 25% की गिरावट दर्ज की। रैलिस इंडिया ने लगभग 3.5% की गिरावट दर्ज की। बिलकेयर ने 8.5% की गिरावट दर्ज की। ऑटोलाइन इंडस्ट्री ने लगभग 0.79% की गिरावट दर्ज की। जियोजिट फाइनेंशियल ने एक बड़ी गिरावट यानी कि लगभग 30.51% की गिरावट दर्ज की। डेल्टा कॉर्प लगभग 6% टूटा। टाइटन कंपनी लगभग 4.87% टूटी। एग्रोटेक फूड्स कम से कम 19.22% डाउनसाइड में गई। क्रिसल लगभग 17% टूटा। आईओएन एक्सचेंज लगभग 12.18% टूटा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि एमसीएक्स लगभग 3.68% टूटा। वीआईपी इंडस्ट्री में लगभग पिछले एक महीने में 17.8% की गिरावट है, जबकि पूरे साल की बात करते हैं तो 61.35% की तेजी भी रही है। दीवान हाउसिंग, इसने सबसे ज़्यादा सेंध लगाई है झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में, जिसने पिछले एक महीने में 65.56% की गिरावट दर्ज की। TV18 लगभग 12% टूटा। फर्स्ट हाउस सॉल्यूशन लगभग 14.28% टूटा। फोर्टिस हेल्थ केयर लगभग 8.33% टूटा। प्रोजो इंतू प्रॉपर्टीज लगभग प्रॉपर्टीज लगभग 18.71% टूटा। लूपिन लगभग 3.47% टूटा। और फेडरल बैंक ही अकेला एकमात्र शेयर है जो कि 7.81% अप गया है पिछले एक महीने में, जबकि ओवरऑल एनुअली 35.58% की गिरावट दर्ज की है फेडरल बैंक ने। जुबिलेंट लाइफ साइंस लगभग 9.5% टूटा। स्पाइसजेट लगभग 6.9% टूटा। ओरियंट सीमेंट लगभग 14.71% टूटा। मैन इंफ्रा लगभग 11.61% टूटा। जेपी एसोसिएट, जिसमें कि लगभग 5 करोड़ शेयर्स की बाइंग की है झुनझुनवाला ने लगभग आई थिंक 18 मार्च को, वो लगभग 31% के आसपास टूट चुका है। एडलवाइसेस लगभग 38.55% टूट चुका है। अनंत राज लगभग 25.97% टूट चुका है और डीबी रियलिटी 21% टूट चुका है। पिछले एक महीने का पोर्टफोलियो दिखा रहा हूँ मैं आपको। एस्कॉर्ट्स लगभग 16.62% टूटा। करूर व्यास्य बैंक लगभग 14.41% टूटा और प्रकाश इंडस्ट्रीज लगभग 24.72% टूटा। तो आप देख सकते हैं पिछले एक महीने में भारी गिरावट है और अगला पिछले एक साल की बात करते हैं लगभग, अगर मैं लगभग हाफ ईयरली की बात करता हूँ क्योंकि पिछले 6 महीनों में काफ़ी गिरावट हमें देखने को दर्ज करी है। एपटेक में लगभग 45% की गिरावट इस वक्त चल रही है। तो मंधाना रिटेल में लगभग 57% की गिरावट चल रही है जो होल्डिंग है उनकी। एनसीसी में लगभग 49.72 लगभग 50% की गिरावट एनसीसी के स्टॉक्स में झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में है। रैलिस इंडिया में लगभग 19.4% की गिरावट है। बिलकेयर में लगभग 38.92% की गिरावट है। ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज में लगभग 19.35% की गिरावट के साथ लाल निशान है। जियोजेट फाइनेंशियल में लगभग 59.43% की गिरावट है। डेल्टा कॉर्प में लगभग 20.5% की गिरावट है हाफ ईयरली में पिछले 6 महीने में। टाइटन इंडस्ट्रीज में लगभग 17.96% की गिरावट है। एग्रोटेक फूड्स में लगभग 33.39% की गिरावट है। क्रिसल में लगभग 23.7% की गिरावट है। आयोन एक्सचेंज में लगभग 29.27% की गिरावट है। मल्टी एक्सचेंज कमोडिटी यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स में 0.28% की गिरावट है।
वीआईपी इंडस्ट्रीज में पिछले 6 महीने में लगभग 4.2% की तेजी आई है, यानी कि सिंगल शेयर अभी तक का। दीवान हाउसिंग में लगभग 64% की गिरावट है पिछले 6 महीने में। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट में लगभग 46.4% की गिरावट है। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन में 0.25% की तेजी है, मात्र माइनर सी तेजी है। सेकंड स्टॉक जिसमें कि थोड़ी सी तेजी आई है, फोर्टिस हेल्थ केयर जिसमें कि 12.44% की गिरावट है। प्रोजोन इंतु लगभग 44.4% की गिरावट है। लूपिन में लगभग 10% की तेजी, यानी कि तीसरा परसेंट जिसमें की तेजी है। फेडरल बैंक लगभग 16% की गिरावट है। जुबिलेंट लाइफ साइंस लगभग 11.7% की गिरावट है। स्पाइसजेट लगभग 48% की गिरावट है। ओरिएंट सीमेंट लगभग 38.7% की गिरावट है। मैन इंफ्रा लगभग 27.76 की गिरावट है। जेपी एसोसिएट लगभग 67.65% की गिरावट है। एडलवाइसेज लगभग 43.13% की गिरावट है। अनंतराज लगभग 27.7% की गिरावट है। डीवी रियलिटी लगभग 65.53% की गिरावट है। एस्कॉट्स लगभग 37% की गिरावट है। करोड़ व्यास बैंक लगभग 20.68% की गिरावट है। और प्रकाश इंडस्ट्रीज लगभग 47.92% की गिरावट है। यानी कि 32 स्टॉक्स में से पिछले 6 महीने में केवल 3 स्टॉक्स में ही तेज़ी नज़र आ रही है राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो होल्डिंग्स में, बाकी सभी शेयर्स में ऑलमोस्ट गिरावट है। और अगर हम एनुअली बात करते हैं तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ऐसा कोई निवेशक नहीं है जिसके पोर्टफोलियो में अगर होल्डिंग्स हैं तो वो सभी ग्रीन में ही चलती हैं हमेशा। टाइम ऑलवेज मैटर्स, कब टेक प्रॉफिट करके बाहर निकलते हैं पार्शली, कब पोजीशंस को बने रहते हैं, कब एवरेजिंग डाउन करते हैं ये लोग, ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी पोर्टफोलियो को उठाकर देख लीजिए, बड़े से बड़े एनालिस्ट, बड़े से बड़े रिसर्च जो भी एडवाइजरी है, बड़े से बड़े फंडामेंटल जो एनालिस्ट बैठे हैं, सभी के पोर्टफोलियो में आपको रेड ज़्यादा मिलेगा, ग्रीन कम मिलेगा, लेकिन उनको पता है कब पार्शल टेक प्रॉफिट करना है, कब आपको उसमें एवरेजिंग डाउन करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है और यही चीज़ आपको स्टॉक मार्केट में सस्टेन करना सिखाती है, सर्वाइव करना सिखाती है। एपटेक में पिछले एक साल में 48% की गिरावट। मंदाना रिटेल में पिछले एक साल में लगभग 70% मंदाना रिटेल टूट चुका है, आप समझ लीजिए, तब भी होल्डिंग है अभी मंदाना रिटेल में झुनझुनवाला की। एनसीसी में लगभग 30% टूट चुका है एक साल में। रैलिस इंडिया 20% के आसपास टूट चुका है। बिल केयर 30% टूट चुका है। ऑटो लाइन इंडस्ट्री 21% टूट चुका है। जियोजेट फाइनेंशियल लगभग 70% टूट चुका है। डेल्टा कॉर्प लगभग 1% के आसपास की गिरावट है। टाइटन में लगभग 28% का मुनाफा है पिछले एक साल में। एग्रोटेक फूड में लगभग 99.99% का तेजी है पिछले एक साल में। क्रिसल में लगभग 18% की गिरावट है। आयन एक्सचेंज में लगभग 31% की गिरावट है। मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज पिछले एक साल में जो गिरावट दर्ज हुई है इनके पोर्टफोलियो में 29.61% की गिरावट दर्ज हुई है। वीआईपी इंडस्ट्रीज में 61.35% की तेजी दर्ज की गई है। दीवान हाउसिंग में लगभग 65% की गिरावट दर्ज की गई है। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट में लगभग 10% की गिरावट है। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन में लगभग 47% की तेजी है। फोर्टिस हेल्थ केयर में लगभग 11% की गिरावट है। प्रोजोन इंतु में लगभग 48% की गिरावट है। लूपिन में लगभग 16.5% की गिरावट है। फेडरल बैंक में लगभग 35.5% की गिरावट है। जुबिलेंट लाइफ साइंस में लगभग 6.3% की गिरावट तेजी है। स्पाइसजेट में लगभग 51.5% की गिरावट है। ओरिएंट सीमेंट में लगभग 43.5% की गिरावट है। मैन इंफ्रा में लगभग 38.1% की गिरावट है। जेपी एसोसिएट में लगभग 65.326% की गिरावट है। एडलवाइसेस में लगभग 47.38% की गिरावट है। अनंतराज में 33.24% की गिरावट है। डीवी रियलिटी में लगभग 45.59% की गिरावट है। स्कॉट्स में लगभग 17.5% की गिरावट है। करोड़ व्यास बैंक में लगभग 33.5% की गिरावट है। प्रकाश इंडस्ट्रीज में लगभग 23.4% की गिरावट है। तेजी जो आई है वो केवल जुबिलेंट फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन दूसरा, उसके अलावा बीआईपी इंडस्ट्रीज तीसरा, उसके अलावा एग्रोटेक चौथा, और उसके अलावा टाइटन पांचवा स्टॉक। यानी कि 32 में से 5 स्टॉक में पिछले एक साल में तेजी दिखाई है, माइनर से मेजर, ठीक है, जबकि 27 स्टॉक्स डूबे हैं बहुत ही बुरी तरह से। तो इससे पता चलता है कि चाहे वो निवेशक बड़ा हो या छोटा हो, मार्केट सिनेरियो से नहीं बच सकता। गिरावट आती है तो वो सबको लेके चलती है, चाहे वो बड़ा निवेशक हो, छोटा निवेशक हो,
फर्क इस बात से पड़ता है कि आपका नजरिया कितना लंबा है, आपकी होल्डिंग्स कितने बेहतरीन स्टॉक्स में है। क्योंकि अगर बेहतरीन स्टॉक्स में आपका निवेश है तो समय जरूर खराब आ सकता है, लेकिन वो स्टॉक समय के साथ अच्छा परफॉर्म करना भी शुरू कर देते हैं जैसे ही वो बुरा वक्त या ख़राब समय पास ऑन होता है। तो यही मैं आप सभी को सुझाव दूंगा कि अगर आप लोगों की भी अच्छे स्टॉक्स के अंदर होल्डिंग है, पेशेंस बनाइए, लोअर लेवल्स पे एवरेजिंग डाउन अगर कर सकते हैं, आपकी आपके पास अमाउंट एक्स्ट्रा पड़ा है देन एवरेजिंग डाउन करने का आपके पास सुनहरा अवसर मिलता रहेगा। अगले कुछ महीनों तक एवरेजिंग डाउन कीजिए, तेज़ी का दौर जब शुरू होगा तो आपके जितने भी लॉसेज हैं वो सब कवर हो जाएंगे और आपका पोर्टफोलियो अगेन ग्रीन में शो करने लगेगा दोस्तों। तो यहाँ पर हमने आपको राकेश झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो के बारे में बताया कि पिछले एक साल में 27 स्टॉक्स डूबे, केवल 5 स्टॉक्स में माइनर से मेजर तेजी है। पिछले 6 महीने में केवल 3 स्टॉक्स में तेजी रही जबकि 29 स्टॉक्स डूबे, और पिछले एक महीने में 31 स्टॉक्स डूबे जबकि केवल एक स्टॉक में तेजी नजर आई, वो भी माइनर तेजी। तो अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन हम आपको फिर से शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल मनी ट्री, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अपने पोर्टफोलियो को एनालाइज करना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि अगर आप अपने पोर्टफोलियो को कंटिन्यू एनालिसिस करते रहेंगे, जो भी वीक पोजिशंस हैं उनमें से निकल कर स्ट्रॉन्ग पोजिशंस में अपनी पोजिशन को एवरेजिंग डाउन करते रहेंगे तो आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्गर 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 होता जाएगा, और जब मार्केट बुलिश मोड में बैठेगा तो आपको एक अच्छा मुनाफा भी अपने पोर्टफोलियो में नजर आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।